वहाँ से उठ के आया हूँ एक बहुत ही बड़े कवि को आवाज़ देने के लिए। हालांकि वो उनका समय नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर कब किसका समय कब ला दे। ये नहीं, ये जगह जो है इस समय उनके पढ़ने का ये स्थान नहीं है, लेकिन उनको कहीं और भी जाना है। और सृष्टि का जो आदि कवि था, पहला कवि योगेश्वर श्री कृष्ण यादव थे। इसमें हंसने का कोई विषय नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण यादव थे, मतलब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो भी यादव हैं, ये कहने का मतलब। हालांकि उत्तर प्रदेश में यादवों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 84 भैया ये समय केकर फोन आओ था। रोज 12 बजे रात के आवेला फोन, ये बहुत बढ़िया बात ना। ये केकर आ सकत है घर से 12 अले के बाद, भाभी जानते ही कभी सम्मेलन सुने आईल हुआ तो पूछत के जे कहाँ हुआ। इससे चरित्र संदिग्ध होता है व्यक्ति का कि कौन है जो ये बार इस समय ये साढ़े इस समय किसका फोन आता है, और फिर आगे आप बैठ के किससे बात कर रहे हैं, सबको पता है या तो सुनवा रहे हैं। भाभी ने फोन किया होगा कि तुम कह के गए थे कि कभी सम्मेलन में गए हो तो वहाँ हो कि नहीं, तो कहें सुनवा रहे हैं, देखो ये अनिल चौबे आ गया है माइक पे बोल रहा है मैं आ गया। तो ये आदमी प्रमाणित, एक आदमी ऐसे ही पत्नी को धोखा देता था, तो जाए कहीं बताए मंदिर आए हैं, मंदिर आए हैं। एक दिन गंगा किनारे था और भाभी जी ने फोन कर दिया, कहाँ हो, कहे मंदिर आए, का घंटी बजा के सुनाओ। अब वहाँ से कहाँ से घंटी बजा। अच्छा, पत्नी भी जो आजकल की जो भाभियाँ हैं वो भी अत्यंत एडवांस हैं, 21वीं सदी की। हमारे मोहल्ले की एक हैं तो भाई साहब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अधिकारी टाइप के हैं, तो हमेशा मतलब फ़ोन करके पूछते रहते हैं, शक करते हैं कहाँ है कहाँ हो। नौकर फोन उठाए कहे कि हाँ भाभी अभी हैं यहीं घर ही पर हैं। कहाँ हैं, तो घर ही पे हैं। कहा घर पे हो तो मिक्सी चला के दिखाओ। भाभी मिक्सी चला देती थी घुर्र। फिर 2 घंटे के बाद फोन करे कहाँ हो, भाभी बोले घर पे हैं। कहा घर पे हो तो मिक्सी चला के दिखाओ, फिर वो चला दे। एक दिन क्या था, उसको कुछ शक हुआ पति को कि जब फोन करते हैं तब मिक्सी चला देती है, आ गया एंड टाइम पे। और नौकर से कहा भाभी जी कहाँ हैं। कहा भाभी जी वो तो आप जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे झोला में मिक्सी लेकर के निकल जाती हैं, बाहर चले जाती हैं, जब आते हैं 4 बजे के पहले आते हैं। तो ऐसे संदिग्ध लोग जो हैं एनी टाइम फोन कान में लगा करके आके विराजमान रहते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिएगा भैया, अन्यथा मत लीजिए, हमारा जब भी वो वाक्य कटेगा तो दूसरा कैसेट लग जाएगा। ठीक से बजवाना आप लोगों की जो जिम्मेदारी है। मैं कह रहा था कि हमारे झगड़ू भैया, आपने बहुत वर्षों तक आकाशवाणी से पंचो राम राम इनकी सुनी है। इन्हीं के पूर्वज श्री कृष्ण जी, जो पहला कवि, सृष्टि का पहला कवि जिनने गीता जैसा उपदेश दिया, 18 अध्याय सुनाए। भीम पूछे धीरे से अर्जुन से कि कहो भैया कुल समझ में आ गई, उतक संस्कृत में सुनाओ तलन कुल समझ में आ गई, वरना कुछ भी समझ में नहीं आया। कहा समझ में नहीं आया तो लड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए। कहा कि देखा वो 18 अध्याय का 18 अध्याय और सुना सकते थे, डर के मारे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये हमारे विद्वान हैं, एक दिन हम यहाँ बहुत विलक्षण विद्वान हैं, ये बात कर रहे थे ना लॉकडाउन के, लॉकडाउन में हमने इनको फोन किया कि झगड़ू भैया अब जैसे 8 बजे मोदी जी आते हैं सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अगला क्या कहेगा क्या कहेगा। कहले पंडित जी तू कहाँ परेशान हुआ, हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको ये खुशी है कि मोदी जी किसी दिन आके कह देते कि अब जो आपकी लीगल पत्नी है वो 8 बजे रात्रि के बाद से ये टेंडर जो है लीगल नहीं रहेगा। तो झगड़ू भैया विद्वान आदमी कहे कि बस यही पर खुश होते हुए कि मोदी जी 8 बजे आके ही कह दिए। मोदी जी बहुत चालाक आदमी हुआ, ध्यान से तू अंदर के बाद देखा, 8 बजे आके
1000 के नोट बंद कैलन, बदले में 2000 के धरा दिलन। तोहार 30 बरस वाली जाई तब बहुत ज्यादा एमे खुश भइला के जरूरत नहीं है। तब बहुत विद्वान आदमी है, एक दिन कहे कि पंडित जी PhD का क्या मतलब होता है। हमने कहा विषय मिलता है पढ़ लिख के, उसमें शोध प्रबंध करने पे डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो कहे कि हमके एकदम यादवे समझे तो हुआ, कहा हमहू विद्वान हैं। हम कहें तो आप कैसे विद्वान हैं? कहे हम गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। तो झगड़ू भैया हास्य रस के श्रेष्ठ कवि, मंच के वरिष्ठ कवि, ये आगे से पीछे तक के लोग जरा जोरदार तालियां बजाइए, हम झगड़ू भैया को आवाज देते हैं। झगड़ू भैया पंचो राम राम। बड़े खुशी भइल आप लोगों से मिलके, अच्छा लगल। करीब 25 वर्ष पहले एक बार आ ले ली हलचल भाई बोलू लेना, फिर ओकरे 10 साल बाद फिर एक बार आवाज फिर आप लोगों के सामने आवे का मौका मिले। एक एक भाई के हम प्रणाम करते हैं सबके हाथ जोड़ के। मतलब झगड़ू भैया ही अंतिम में हो, अनौरा के लोग एक बार 25 बरस में बुलावल, फिर ओकरे 10 बरस के बाद बुलावल, अब ये हिसाब से तो अंतिम में हो, हम मन कहा कर सकीले। नहीं थे उनमें जे संचालन के लिए सू गयल, अब आप एक नंबर हो। बड़ा अच्छा लगल। मंच पर माननीय अध्यक्ष महोदय आपके प्रणाम करे थे, मंच पर जितना कभी लोग हुए सबके प्रणाम करे थे, विद्वान संचालक डॉक्टर अनिल चौबे जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के व्यक्ति हुए। बड़ी खुशी होले जब आप विदेशन में कविता पढ़ने वहाँ से कहल जाला कि ये भारत से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। बहरहाल लॉकडाउन और कोरोना के चलते कविता भी कुछ भुलाई गई मन के। हाँ जरूरत पड़े ले तो अब चिट देखे के होला। भैया कमल जी बैठल हूँ, बड़ा मौन इनके यहाँ गए, उधर से आवत रही हम छत्तीसगढ़ से, वही कहीं घूम के अली भैया के घरे गई, भौजाई से कहली हम कहली कि भौजाई से कहली हाथ मुंह साबुन से धोना हो, कहे जिंदगी सांसत में नौले मर के नौना हो। ये नहीं कली कि भौजाई से कहली हाथ मुंह साबुन से धोना हो, कहे जिंदगी सांसत में नौले मर के नौना हो, का कहीं झगड़ू बस यही बात का रोना हो, एक खटिया से दो खटिया पर कैले कोरोना हो। एक खटिया से दो खटिया पर कैले कोरोना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के बात कैल गई दू गज दूरी, तो पुरनका लोग कहावत कहें कि केहू चुगला आदमी लोग जाए तो के कहें कि ये आदमी बहुत खराब है, एक खटिया से दो खटिया करे वाला हो, तो कोरोना भी एक खटिया से दो खटिया कह दिले। और जैसन कि हमारे विद्वान संचालक कहल कि आज भगवान शंकर का गौना हल, सब खुशी मनावला, रंग भरी एकादशी हो, फागुन चलत हो, तो पुराना लोग कहें कि भैया कैसे जनबा कि फागुन आ गया। तो सुने वो लक्षण बताओ मैं फागुन को। आदरणीय डॉक्टर साहब स्वागत है सर। कहें कि पक्का हो गया, वैसे ही दो तीन महीना पहले हुए इनकर पारी बैसाख में हो, फागुन में आ गए। कविता सुने आप। कहे कि फुलवारी में हंसे माली तो समझा कि फागुन हो। हाँ भैया कि फुलवारी में हंसे माली तो समझा कि फागुन हो, और पीपरे पर पछुआ बजावे ताली तो समझा कि फागुन हो।
हंसा भी, कविता भी सुना, सोचा भी कि गुना भी। कि फुलवारी में हंसे माली तो समझा कि फागुन हो, पीपरे पर पछुआ बजावे ताली तो समझा कि फागुन हो, और हंसी ठिठोली करे लगे बिटिया पतो हो अंगने में, बूढ़ा लगावे वो ठलाली तो समझा कि बूढ़ा लगावे वो ठलाली तो समझा कि फागुन हो, पत्ती नीम क जाए झर तो समझा कि फागुन हो, पत्ती पत्ती नीम क जाए झर तो समझा कि फागुन हो, अ कन्हैया जौ के हंसे मटर तो समझा कि फागुन हो, पत्ती नीम क जाए झर तो समझा कि फागुन हो, और कन्हैया जौ के हंसे मटर तो समझा कि फागुन हो, लुपुर लुपुर तितली हिलावे लगे पांख, और करियवा भौरा ढूंढे लगे घर तो समझा कि भौरा करियवा ढूंढे लगे घर तो समझा कि फागुन हो, बने लहके लगे परास तो समझा कि फागुन हो, और सुस्कारी मारे लगे बांस तो समझा कि फागुन हो, बने लहके लगे परास तो समझा कि फागुन हो, सुस्कारी मारे लगे बांस तो समझा कि फागुन हो, जे साल भर चलत रहल पैड़ा बराय के उ दयाद लगे खास तो समझा कि फागुन हो, उ दयाद लगे खास तो समझा कि फागुन हो, और पहेटे कौआ कोयल लगे चिल्लाए तो समझा कि फागुन हो, पहेटे कौआ कोयल लगे चिल्लाए तो समझा कि फागुन हो, और पेड़े पर कुछ कुचवा लगे भकुआए तो समझा कि फागुन हो, पहेटे पहेटे कौआ कोयल लगे चिल्लाए तो समझा कि फागुन हो, पेड़े पर कुछ कुचवा लगे भकुआए तो समझा कि फागुन हो, गैया ढकेले लगे नाद जब हिक्का लगाए के, और बरधा लगे मकनाए तो समझा कि फागुन हो, बरधा लगे मकनाए तो समझा कि फागुन हो, डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा फागुन हो, अनजाने से मस्खरी हो जाए तो समझा फागुन हो, डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा फागुन हो, अनजाने से मस्खरी हो जाए तो समझा फागुन हो, बेपटरी तो होत रहला मेल पसेंजर माल, बुढ़वा बुढ़िया बेपटरी हो जाए तो समझा फागुन हो, बुढ़िया बुढ़वा बेपटरी हो जाए तो समझा फागुन हो। भैया डॉक्टर अनिल चौबे जी हमें कहल कि गाय भैंसी के गोबर सूंघ के उम्र बता दिला भैंसी का, मान लिया यदि हम ये काम करे थे तो वो इनके बस का नहीं हो, बड़ा विद्वान व्यक्ति हुआ। एक बार इनसे पूछ ली कि अच्छा भैया ये बताओ इतना विद्वान तू भैला कैसे, कहाँ जब हम पढ़े जात रहली तब से विद्वान है, हमके अपने पढ़ाई के समय का हाल बतावा, बतावे लगना आप जान जाबा कि कितना विद्वान हुआ, कहे कि नाम लिखौली पढ़े बदे तब से विद्या का दास हो गई, तरकारी पहुँचावे लगली पंडित जी का खास हो गई, कहे नाम लिखौली पढ़े बदे तब से विद्या का दास हो गई, तरकारी पहुँचावे लगली पंडित जी का खास हो गई, इम्तिहान निरायल भयवा हम तो बने उदास हो गई, लेकिन अपने गुरु जी के बीड़ी पिया के पास हो गई, नाम लिखौली पढ़े बदे तब से विद्या का दास हो गई, तरकारी पहुँचावे लगली पंडित जी का खास हो गई, इम्तिहान निरायल भयवा हम तो बने उदास हो गई, लेकिन अपने गुरु जी के बीड़ी पिया के पास हो गई, बड़के स्कूल में नाम लिखौली कट्टा लेके भाजे लगली, बड़के स्कूल में नाम लिखौली कट्टा लेके भाजे लगली, मऊसा रालन हेड मास्टर खूबे नंबर गाजे लगली, हमहू के देखनहरू अलन हीरो जैसन नाचे लगली, हनुमान चालीसा खोल कर आ जाए ABCD बाजे लगली, मारपीट में अव्वल हम नेतागिरी चमकावे लगली, दर्जा में लड़की लड़कन को समीकरण बैठावे लगली, मारपीट में अव्वल हम नेतागिरी चमकावे लगली, दर्जा में लड़की लड़कन का समीकरण बैठावे लगली, समानुपाती सवाल के भी रेखा गणित बतावे लगली, गुरु बनावा न्यून कोण हम अधिक कोण दर्शावे लगली, कह कुल लड़किन से पूछी तो के लेटर कहाँ से आवाला, कुल लड़किन से पूछी तोहके लेटर कहाँ से आवाला, भला बतावा हमारा आचरण तोहके कैसन भावाला, चित्रकला में हमरे जैसन नंबर केहू पावाला, और हमरे से बढ़िया का दूसर उल्लू केहू बनावाला, माई बाबू भैया भौजी सबके मूर्ख बनाईला, फीस का पैसा लेके हम गुलछर्रा खूब उड़ाईला, कुल दर्जा में घूम घूम के सीटी रोज बजाईला, गुरु जी गा में राष्ट्र गान मिलू इलू गाईला,
मॉनिटर भैली दर्जा में कभी कदा के आवे लगली, जैसे नरसिंह जी यहाँ इन्हें मॉनिटर बना दिल वैसे दर्जा में भी मॉनिटर बन जाए कि मॉनिटर भैली दर्जा में कभी कदा के आवे लगली, हमके केहू का बहकाई हम सबके बहकावे लगली, और हमें सऊर से का मतलब हम सबे सऊर सिखावे लगली, प्रिंसिपल के हड़कौली तब से वो जीपा पावे लगली। लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल। यार कमल जी बैठल हुआ, आप सेवानिवृत्त अध्यापक हुआ, रिटायर हो गए हुआ पढ़ा के आप, और भैया जब पढ़त रहें तो ही पढ़ावत रहें। अनिल जी आज तक बड़ा दुखी रहना वो बात से, कहाँ झगड़ू भैया देखा आप लोग गुरु समान हुआ, और कमल जी हमार गुरु रहना लेकिन हमारे संग बहुत बड़ा गड़बड़ के लिए हम कली काबल कहाँ की बताऊना सुना है आप। कमल जी के देखा, अनिल जी के देखा और कविता चाला ही नहीं देखा, कहाँ की अपने विद्वान संचालक की ओर से जनो आदरणीय कमल जी के समर्पित हो कि लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल। चूँकि आज रंगभरी एकादशी हो तो हमें कहे में भी कोनो इतराज नहीं हो। सुने आप कि खूब दिल से मन से सुनिए कि लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल, अतरे खुतरे चोरी लुकवा उहो हमसे मिले लगल। एक जने कतु आए हाय लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल, अतरे खुतरे चोरी लुकवा उहो हमसे मिले लगल, क्लास टीचर के दिल में नापाक इरादा पले लगल, हमारे चक्करवा में चक्कर गुरुओ जी का चले लगल। पंचो इत रहलक पढ़ाई, ऐसे पढ़वैन का रिजल्ट आप देखें, चार लाइन कविता का सारांश देखें। अपने पूर्वांचल में कहावत कहल जाले कि बेल पके तो कौआ से का मतलब, ये लोकोक्ति के हम कविता के रिजल्ट के रूप में प्रयुक्त करते ही आप देखें कि कौनों काम में फेल न भैली सबके कैली फेल, भगवान के दया से जेल न गैली जिंदगी हो गई जेल। कौनों काम में फेल न भैली सबके कैली फेल, भगवान के दया से जेल न गैली जिंदगी हो गई जेल, हंसी खेल में समय बितौली हो गैली खुद खेल, और सब झगड़ू के देखे जैसे कौआ देखे बेल, सब झगड़ू के देखे जैसे कौआ देखे बेल, सब झगड़ू के देखे जैसे कौआ देखे बेल। एक कविता देखा आप बरात शीर्षक से कि अपने गांव देहात में पहले गर्मी के दिन में शादी ब्याह हो, ओकर कारण ये रहे कि रास्ता पहना हो जाए, घरे का सरसों हो जाए, अनाज हो जाए, रहर हो जाए, दाल हो जाए, मतलब ये सब व्यवस्था हो जाए। धीरे 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 अब अपने गांव देहात में भी जाड़ा के दिन में शादी हो लगल। लोगन से पूछल गल कि भैया जाड़ा के दिन में काहे गांव देहात में शादी करेला, कोनो समस्या तो नहीं हो? कहे भैया सामान सस्ता मिलेला। पंचो आप हम सब लोग बहन बिटिया वाला ही केहू समाज के चोर ना हो, सब अपने अपने घरे के जिम्मेदार हो, आप ही सोचला कि कौनो सामान सस्ता ना मिलत, खाली मिलबो करला तो साग तरकारी या दूध, एक छोड़ कौनो सामान सस्ता ना मिलत। मान लेते कि यदि दो चीज मिलत हो तो का यही दोनों के सस्ताई और महंगाई से समाज में जौन समाज का विसंगति हो का दूर हो जाए, समाज का कष्ट दूर हो जाए, हम आपके वो विसंगति तक ले चलत है। हंसत बोलत आप कविता खूब मन से हंस के सुने, चिंतन करें आप, सोचें सुने कि हमरो दिन बहुरल जाड़ा में संगी के बारात में गईली, वो अकेले नहीं हम अपने बब्बा के साथ में गईली। हमरो दिन बहुरल जाड़ा में संगी के बारात में गईली, वो अकेले नहीं हम अपने बब्बा के साथ में गईली, बब्बा चले पुरानी चाल हम अपने औकात में गईली, मूंगा सिल्क पहिर के राजा कोहरा के बरसात में गईली। द्वार पूजा पर दुल्हा जस सूरज देव यकासे बैठे, बुढ़वन के घुटना में दर्द बैठे जहां ऊंचा से बैठे,
द्वार पूजा पर दुल्हा जब सूरज देव अकासे बैठे, बुढ़वन के घुटना में दर्द बैठे, जहाँ ऊंचासे बैठे, तम्बू में पुअरा डाल लो भूए अच्छे खासे बैठे, जैसे भेड़ खेत में बैठे वैसे सब जनवा से बैठे। निकालो बातिन के लाठी से बब्बा सबकर खूब पिटाई कैलन, हमसे पानी गरम मांग के अपन एक दवाई खैलन, कहलन का मन से दू होबा हमरो बड़ी खिंचाई कैलन, हम खाली नमकीने खैली बब्बा चार मिठाई कैलन। मतलब विद्वता पर बब्बे से आवत है, खानदानी विद्वान हुआ। मतलब कोहिरा के बारात में मूंगा सिल्क पहिर के गइल, ई जरूर कौन मतलब आपे जैसन विद्वान कर सकत है। चार पंक्ति हम आप जैसे विद्वान के समर्पित करते मन से सुने आप। कि मौका रहल निठोरहे का कुल हित ना संघाती गई लें, न्योतल बे न्योतल मिल के मतलब से ढेर बराती गई लें, ओमे सब शरीफे नहीं ढेर जने उत्पाती गई लें, भात के बदले लात खाई के घरे ससुर के नाती गई लें। ये मतलब की बात थी। गांव से भाई भवद्दी खा के पारा पारी हटल जात हो, अंगने में बैठल बियाह मड़वा कोहिरा से पटल जात हो। गांव से भाई भवद्दी खा के पारा पारी हटल जात हो, अंगने में बैठल बियाह मड़वा कोहिरा से पटल जात हो, ठिठुरत हो बरात का बाभन घर का नाऊ डटल जात हो, जितने जड़वत हो दुल्हा दुल्हनिये मरी सटल जात हो। आप देखें कि चौचक मूड बनौले रहलन निरहू आधी रात में खैलन, कौनो माने ना रखत की जात या परजात में खैलन। नरसिंह जी की भी आप देख लें कि चौचक मूड बनौले रहलन निरहू आधी रात में खैलन, कौनो माने ना रखत की जात या परजात में खैलन, बाबू भैया टाट परु कुर्सी वाली पात में खैलें, दाल कसोरा में भरवा के कोका कोला भात में खैलें। सोचा भला बतावा केहू कितना जोर जुटाई। आखिरी दो बंद आप देख लें कि सोचा भला बतावा केहू कितना जोर जुटाई, खान पान जलपान आइटम खटिया और रजाई, दहेज लोभिन से बढ़हर का सुरसा मुंह फैलाई, जाड़ा या गर्मी का शादी दुल्हा कर रेट हाई, कैसे बिटियन की अग्नि परीक्षा का अपमान सहाई, बिटिया चाहे हमार हो चाहे आपके, कैसे बिटियन की अग्नि परीक्षा का अपमान सहाई, अब राम सरीखे आई के दानो दान मिटाई, यह बलशाली रावण से अब के सम्मान बचाई, दहेज वाटिका में सीता अब के हनुमान बिटाई, दहेज वाटिका में सीता अब के हनुमान बिटाई, दहेज वाटिका में सीता आईली है। एक जने कहने की झगड़ू भैया कोहबर वाली सुनैबा बहुत दिन होगल सुन ले, हमको भाई सुना दे एक ठे कविता सुने, यह दौर का आखिरी कविता आपके सुना दें। कोहबर का दुल्हा, पहले अपने समाज में बाल विवाह होत रहल, बहुत छोटे पर ब्याह हो जाए, कितना लोग उनके तो यह न मालूम हो कि हमारे ब्याह हो भयल हो, और कुछ लोगों से बाद में पूछल जाए कि का ब्याह कहाँ के मालूम ना हमारे ब्याह भयल हो कि ना भयल हो, ब्याह का होला हमें पता नहीं। एक आदमी अपने बचपन में अपने ब्याह में से लौट के आयल, संगी साथी पूछल गए कि का हो तोहरे बारात में, तो हम ना गली सुन ली मजा आयल यार, कहा बड़ा मजा आयल, कहा अच्छा ही बतावा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी मड़े में भयल हो फिर कोहबर में गए होबा मऊर उतारे बदे, कहा कोहबर में तो मजा आए। अब आप देखें कैसे कहले, कहे कि खुश भैले बाबू रकम लेके भारी भैया, कहे कि खुश भैले बाबू रकम लेके भारी, मढ़ देला हमारे कपारे बीमारी, मूड़ी लटकावे के आई गई पारी, रहल छोट कोहबर के घर के दुआरी, कहे फिर का भैल, कहा एक हाथे जामा एक हाथे मऊर धैली, लगली ल जाए हम एकदम बटुर गईली। एक हाथे जामा एक हाथे मऊर धैली, लगली ल जाए हम एकदम बटुर गईली, लेकिन दुआरी से पहले निहुर गईली, मूड़ी लटकाए के गप से घुसुर गईली। क्या बात, कहे भीतर करे लगनी सरहज ठिठोली, दुल्हा हो टलहा बोले लगनी बोली, तनिके में जुटल हसीनन का टोली, रहल एक ठे जैसे चीनीटी का गोली। बुढ़िया जवन की जुटे पारा पारी, चले लगल दिल पर दहेजी टंगारी, भयल कोको लोलो या पूछा पचोरी, हेराइल दही गुड़ कथरिया कटोरी। कहे सहेली को लगलीन पहेली बुझावे, सढ़ुआइन मजाकी लगल खोदियावे, दुलहिया हो पढ़ले वो हमसे बतावे, हम गाय में को भैंसी में लगली बतियावे।
एक ठे लगल गुदगुदावे निकोटे, दूसर की लगल गाल धई के निझोटे, पहाड़ा सुना के पिठी में चिकोटे, तब का करी भाईवा लगल जीव कचोटे। कहे डोले लगनी जैसे खरबूजा पर छुड़ी, जहर भइल भैवा बियाहे कपूड़ी। डोले लगनी जैसे खरबूजा पर छुड़ी, जहर भइल भैवा बियाहे कपूड़ी, आ खुदाय लगनी लोगन पचैया जस कूड़ी, हमहू ढकेल देली फूट गेल चूड़ी। आखिरी बंद देखे आप कि फूट गई चूड़ी, तब भागल छटक के, तब आई दूसर की तुरंत मटक के। फूट गई चूड़ी, तब भागल छटक के, तब आई दूसर की तुरंत मटक के, आ उठ के खड़ा बोली हम झटक के, बड़ी मार मल्लिन कुल हमके पटक के।